पहला पेशेंट अभी मिल चुका है, काफी अच्छे फीचर लगे मुझे इसके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल लक्स ट्रांगर पे। तो वही आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए हम अपने हेल्थ पर जो काफी कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी सारी बीमारियों का जो है सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक है ब्लड प्रेशर की बीमारी, जो भी हर घर में किसी ना किसी को ये बीमारी है, खासकर 2020 के बाद। वो आपको बताइए, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे इस नई डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर के बारे में। तो इसको मैंने परचेज किया है अमेजोन से, और वेंडले जो है ये ब्रांड है। देखते हैं फटाफट इसको ओपन करके क्या क्या हमें जो है इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं और कैसी है ये ब्लड प्रेशर मशीन। तो वही कुछ इस तरह का बॉक्स हमें यहाँ पर देखने मिलता है। यहाँ पर लिखा है डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर विद वॉइस ब्रॉडकास्ट, ऐसी जो हमारी मशीन दिखने वाली है। यहाँ पर है वेंडले की ब्रांडिंग, इस तरफ लिखे हैं इसके MRP वगैरह। तो कंटेंट जो है दिए गए हैं इसके, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है इसकी दिसंबर 2021। काफी पुरानी मैन्युफैक्चर्ड जो है मशीन है दोस्तों। डेट ऑफ इंपोर्ट है इसकी 2022 जनवरी, और MRP है 4,999 रुपये। लेकिन आप इसे अमेजोन से परचेज कर सकते हैं 1,749 या 1,800 रुपये में। इस तरफ है इसके स्पेसिफिकेशंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइस रिपोर्टिंग जो इसके अंदर हमें मिलने वाली है, 32 ग्रुप ऑफ मेमोरी है इसके अंदर, और एक्यूरेट एंड रिलायबल ये मशीन रहने वाली है। स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, बस और तो कुछ नहीं इस पे। अब फटाफट ओपन करते हैं बॉक्स को, और देखते हैं इन बॉक्स कॉन्टेंट्स। तो दोस्तों ये सब कॉन्टेंट्स जो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, ये इसका वारंटी कार्ड, 1 साल की जो आपको इस पे वारंटी मिलती है, और आपको रजिस्टर करना होगा इसको परचेज करने के 15 दिन के अंदर। ये बार कोड दिया गया है, इससे आप रजिस्टर कर सकते हैं इसको स्कैन करके। और यहाँ पर लिखा है बी हेल्दी बी हैप्पी, ये था इसका वारंटी कार्ड। और एक ये यूजर मैनुअल आपको मिल जाता है इसके अंदर, तो इसको एक बार आप जरूर पढ़े, क्योंकि ये जो मशीन है ये हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, इसको पढ़ना जरूरी है। फिलहाल रखते हैं इसको साइड में। आपको AA बैटरी सेल मिल जाते हैं इसके अंदर, ड्यूरासेल के दिए गए दोस्तों, काफी अच्छी ब्रांड के जो है सेल आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। और एक ये केबल भी आपको मिल जाती है इसके अंदर, USB Type-A to Type-C केबल। फिर है ये हमारी BP मॉनिटर, तो ये देखिए बैग में जो इसको रखा गया था, काफी अच्छी क्वालिटी का जो है बैग लग रहा है यहाँ पे। और कुछ ऐसी जो हमारी मशीन है, काफी लाइट वेट है दोस्तों, फिलहाल रखते हैं इसको। और लास्ट में हमारा ये आर्म बैंड, एल साइज का जो आपको इसके साथ आर्म बैंड मिलता है, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है दोस्तों। ये है इसका पाइप। तो बस यही थे इसके इनबॉक्स कॉन्टेंट्स, फिलहाल रखता हूँ सभी चीजों साइड में, और बात करते हैं हमारी इस मशीन की। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से पैक्ड में ये मशीन मिलती है। ऊपर जो है रैपर भी लगा रखा है इस पे, और क्वालिटी जो काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पर लग रही है दोस्तों। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी जो है एकदम फिनिशिंग के साथ जो आपको ये मशीन मिलती है। यहाँ पर इसका USB Type-C का पोर्ट, और यहाँ पर जो है आप जो आर्म बैंड है उसका पाइप लगाने वाले हैं, इसके थ्रू ही जो हमारा BP है वो चेक होगा। तो आपको यहाँ पर बैटरी का कंपार्टमेंट मिल जाता है, और यहाँ पर इसका स्पीकर, और टॉप में ये डिजिटल डिस्प्ले। तो सबसे पहले इसका रैपर जो इसको रिमूव करते हैं। नहीं भाई, बस यही दे रखा है इसके ऊपर, पता नहीं क्यों दिया ये भी। बाकी आपको बटन मिल जाता है इस पे ऑन ऑफ करने के लिए, और ये वेंडले की ब्रांडिंग। यहाँ पर देखा WHO और जो मेजरमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब चलिए फटाफट इसके अंदर सेल लगाते हैं हम, और चेक करते हैं इस मशीन को। तो ये आ गया अपने ड्यूरासेल बैटरी, अब फटाफट ऑन करके देखते हैं इस मशीन को। तो ये लग चुकी है बैटरी इसके अंदर, और ये कर दिया हमने इसकी कैप बंद, करते हैं इसको ऑन। तो सुना आपने, ये इंटीमेशन भी आपको इसमें मिलती है, और ये चालू हो गई भाई। चलिए फिलहाल ऑफ करते हैं इसको, तो सिंगल टैप में जो है ऑन ऑफ हो जाती है, ये देखिए। तो दोस्तों मैंने लाइट जो है बंद कर दी है इसकी डिस्प्ले दिखाने के लिए, लेकिन पहले जो इसका आर्म बैंड है वो लगा देते हैं इसमें, क्योंकि ऑन होती है ये जो BP है ऑन अपना शुरू कर देती है। आर्म बैंड जो है अटैच हो चुका है, और अब करते हैं इसको ऑन, डिस्प्ले बताता हूँ आपको। तो ये देखिए 3 कलर जो आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं दोस्तों, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। और ये जो हार्ट बनाया गया है ये भी रेड में बनाया गया है पल्स के लिए। तो बस ये कलर्स जो आपको इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, और ऑन ये हो चुकी है। अब ये एरर बता देगी थोड़ी देर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आवाज़ जो बननी शुरू हो चुकी है, और एरर यहाँ पे आ चुका है। बाकी इसका जो ये साउंड आउटपुट है ये थोड़ा और लाउड होना चाहिए था। इसका जो स्पीकर दे रखा है इन्होंने, काफ़ी जो है लो आवाज़ इसमें सुनने को मिलती है आपको, और ऑटोमेटिक ये ऑफ भी हो जाती है अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में जो है ये ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिक। थैंक यू, विश यू अ गुड हेल्थ।
तो सुना आपने कुछ इस तरह का जो आपको आउटपुट सुनने को मिलता है इसके लिए भी जब ये ऑफ होती है। अब चलिए फटाफट पेशेंट ढूंढते हैं और चेक करते हैं उसका बीपी। लेकिन उससे पहले एक और फीचर मैं आपको बता दूं, इसका काफी बेहतरीन फीचर है दोस्तों। अगर आपके पास सेल वगैरह नहीं है तो आप इसको जो है पावर बैंक के थ्रू भी पावर दे सकते हैं। चलिए वो भी दिखा देता हूँ आपको। पहले इसकी जो बैटरीज है इसको रिमूव कर देते हैं, टाइप सी के थ्रू इसको पावर देते हैं। और ये देखिए पावर बैंक जो ऑन हो चुका है दोस्तों, आप करते हैं इसको ऑन। तो ये देखिए तो देखा आपने, अगर आपके पास सेल वगैरह नहीं है तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं अपने पावर बैंक को, ये जो है चालू हो जाती है। अब चलिए फटाफट बीपी जो है चेक करके देखते हैं इसमें। तो दोस्तों पहला पेशेंट अभी मिल चुका है, ये देखिए हरा भरा पहला पेशेंट, इसका बीपी हाई रहता है। तो वही ये आर्म बैंड जो लग चुका है यहाँ पे, अब करते हैं इस मशीन को ऑन। तो देखा भाई, मैंने बोला था ब्लड प्रेशर जो इसका हाई रहता है और हाई बताया इसने। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ऑरेंज कलर है ये है बीपीआई के लिए, और एक रेड कलर भी है वो बिल्कुल ज़्यादा ही बीपीआई होता तब शो होता है, लेकिन अभी यहाँ पर इतनी जो है इसकी मेजरमेंट्स हैं। और ये रहा हमारा पेशेंट नॉर्मल है तो वही सुन लो, इसके इसका बीपी जो हाई होता है वो इसका नॉर्मल बीपी है आज का, थोड़ी ना इतना ही रहा मेरा। ठीक है भाई, मशीन पास हो चुकी है दोस्तों, यही अपनी वेंडाले डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन। यहाँ पे आपको मिल जाती है एलईडी डिस्प्ले, आप देख सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और आप इसको यूएसबी टाइप सी के थ्रू भी पावर दे सकते हैं, बिना सेल के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे फीचर लगे मुझे इसके। ऑडियो आउटपुट थोड़ा और लाउड होना चाहिए था, काफ़ी लो जो है वॉल्यूम है इसकी। एक्यूरेसी एकदम करेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन आस पास ही रिजल्ट शो करती है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है मशीन, और 1750 रुपये में जो आप इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। परचेजिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।